देखो ये डॉगी, कितना प्यारा डॉगी है देखो ये। तो बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे हैं डॉगी लेने का। पर दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 और मैं आया हूँ मेरे दुकान के ठीक पीछे एक बाड़ी है वहाँ पर आया हूँ, नींबू लेने के लिए आया हूँ। गाइस मार्केट अभी है नहीं, बुधवार के दिन हमारे यहाँ मार्केट लगता है, लेकिन नींबू का पेड़ मेरे को दिख नहीं रहा है गाइस। और मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। और ये देखो, ये तो है पुराना कुआं, बहुत ही पुराना कुआं है ये। और ये है बगीचा, यहाँ पर पहले है ना नींबू के पेड़ थे, नींबू के पौधे थे, लेकिन अभी नहीं है। मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ। और इधर मेरी दुकान है, इधर इधर मेरी दुकान है। गाइस मैं आ चुका हूँ इनके बगीचे में और बहुत ही खूबसूरत बगीचा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर, उधर केले लगे हुए हैं, जाम के पेड़ भी हैं, आम के पेड़ भी हैं, सब है यहाँ पर। दादा बैठे हैं, मैं जाता हूँ दादा के पास। और दादा बढ़िया की, ये क्या लग रहा है? ये प्याज, प्याज गाइस, ये प्याज है देखो। ये दादा रखवाली करते हैं, खेत के मालिक भी यही है, इस बगीचे के मालिक भी ये दादा है। और ये अभी फ़िलहाल इसमें प्याज लगा रहे हैं। और साइड में दूसरी चीज़ है ना उधर, मेथी है, आल है, है। दादा नींबू नहीं है ना, ख़त्म कर दी। हाँ मैं एक दो नींबू लेने के लिए आया था, किधर लगे हुए दादा बता रहे? उधर कोने में लगे हैं नींबू, तो मैं जाके देखता हूँ। और दादा ने देखो उनके खेत को, उनके जो बाड़ी है उनको कितने अच्छे तरीके से रखा है, बिल्कुल व्यवस्थित। ये रहे देखो, ये प्याज के, प्याज के रोपे ना गाइस, ये प्याज के रोपे, रोपे बोलते हैं। तो गाइस अब मैं निकलता हूँ यहाँ से दुकान की तरफ, नींबू देख लेता हूँ। दादा बोल रहे हैं वहाँ पर 2-4 लगे होंगे। थोड़ा दादा से भी बातचीत की, दादा बहुत अच्छे हैं, यहाँ के खेत के मालिक है, इस बाड़ी के, इस बगीचे के मालिक है। और उन्होंने हर चीज़ लगाई है यहाँ पर, हर चीज़, हर पौधे लगाए हैं। इधर साइड में भी बहुत सारे पौधे लगे हुए देखो। ये रहे नींबू का, ये नींबू का पौधा है गाइस, बाकी नींबू नहीं है इसके अंदर। लिंबू नहीं है इसमें, एक भी लिंबू नहीं है। गाइस गाइस एक लिंबू मिल गया, ये रहा, ये तोड़ लिया मैंने देखो, ये रहा। और अब नहीं है। और गाइस पपीता लगी हुई है, और पपीता देख के याद आ रहा है मेरे को कि पपीता लेना, ये तो कच्ची है, पपीता लेना है मेरे को। और पपीता वाला आया है हमारे यहाँ पर। ये क्या है? शायद ये कद्दू हो सकता है, कद्दू। दादा बहुत अच्छे हैं, कभी भी कोई नींबू वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी तो हम यहाँ से ले लिया करते थे, लेकिन अभी नींबू बहुत कम है, बच्चे बोल रहे दादा। एक नीला जत पर गया, इसमें बिल्कुल शॉप के पास आ चुका हूँ। ये रही मेरी शॉप देखो, ये वाली, ये होटल है साइड में। गाइस काना की स्कूलों की छुट्टी चल रही है ना, इसलिए मेरे पास आ जाता है बैठने के लिए। क्यों सुबह सुबह का टाइम है, दुकान पे बैठे हैं और वेट करते रहते हैं हम ग्राहक का। और गाइस हाँ पपीता वाला आया है तो मैं पपीता ले लेता हूँ। क्या किलो पपीता? 30 रुपये 1 किलो दे दो भैया। एक किलो पपीता ले लिए मैंने भाई साहब से, भाई साहब डर रहे थे कि कहीं गलत काम नहीं हो जाए। मैंने इनको समझाया कि मैं YouTube में डालूंगा, कोई गलत वाली टेंशन वाली बात नहीं है। और ये हमारे दोस्त है यार, गांव के मित्र। हेलो गाइस, ये ढोलके की
बंद करवा के दम लेंगे ये क्या गाइस, ये YouTube बंद करवा के दम लेंगे ऐसा लगता है मेरे को। ठीक है दोस्तों, मैं निकलता हूँ दुकान की तरफ। गाइस बहुत दिनों से असद और सनाया डोगी मांग रहे हैं और मैं बहुत दिनों से डोगी लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन कहाँ से लेना चाहिए ये अभी मेरे को पता नहीं है। हमारे खरगोन में तो वैसे नहीं मिल रहा है, और डोगी देखो हमारी दुकान पे आ जाया है। ये रहा डोगी, देखो देखो कितना प्यारा डोगी बिल्कुल। अरे यार ये देखो, ये डोगी देखो रुकता नहीं है दोस्तों। ये देखो रियो, तो इसको क्या नाम है इसका? रियो, रियो नाम है। और ये डोगी इन भाई साहब का है। डोगी ये देखो, ये तो बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे हैं डोगी लेने का, पर लाऊंगा तो मैं इसमें का ही डोगी लाऊंगा। और इसमें का डोगी होना बच्चों को है ना सना, तो मैं ले लूँगा ये डोगी। ये भाई साहब का अभी तो फिलहाल तो देखो देखो कितना प्यारा है, कितनी मस्ती करता है ये डोगी। अभी तो नहीं लेकिन कभी भी लूँगा ना तो इसमें का ही डोगी लूँगा। तो गाइस डोगी वाले भाई साहब जा रहे हैं, और सनाया तो खुश हो गई थी। सनाया को ऐसा लग रहा था कि मैंने ले लिया डोगी, अपना नहीं बेटा वो दूसरे का है ना, अपन भी लेंगे, सफेद वाला लेंगे, हाँ अपन भी लेंगे। डोगी वाले भाई साहब तो जा चुके हैं, और वो डोगी की कीमत बताए आपको 17,000 रुपये है, और उसका नाम क्या बताया? रियो, रियो नाम था उसका। तो गाइस सनाया और असद बहुत परेशान करते हैं मेरे को डोगी लेने के लिए, लेकिन मैं कभी भी, अभी तो नहीं लेकिन कभी भी लूंगा मैं ये डोगी। तो बहुत ही अच्छा लगा हमको, तो लेना है किसी के पास हो तो बोलना कि ना, किसी के पास हो तो बोलना कि ना, बच्चा भी किसी के पास हो। वो हमारे दुकान पे बैठने के लिए आए थे, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं और आपको भी बताते हैं कि इस तरीके का डोगी लेना चाहिए नहीं या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस अभी बैठते हैं दुकान पे। गाइस टंकी ख़त्म हो गई थी आज, तो टंकी ली है नहीं है देखो, और ये पड़ी है 970 रुपये की, बहुत महंगी हो चुकी है दोस्तों। गाइस साहिबा खा रही है आलू, और असद खा रहा है खिचड़ी। हमारे यहाँ गाइस खिचड़ी बनती रहती है, और सनाया क्या कर रही है, क्या कर रही है? ओ फूल कहाँ से लाई ये फूल? मैं केक में से। गाइस सनाया पता नहीं कहाँ से ये फूल तोड़ के लाई। गाइस मेरे हिसाब से तो इसको गंगा तुलसी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। अब मैं तो इनको गोंगी गाइस, और इसको बड़े बन दूंगी, बड़े बन दूंगी। चलो इधर आ साहिबा, खाना खा लिया, इधर आ जा, अपन वीडियो एडिट करेंगे। तो गाइस काफी रात हो चुकी है, और हमारे इस वीडियो को एडिट करने का टाइम हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।